हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूं और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि सिज़ोफ्रेनिया में जो आवाज़ें आती हैं वो पेशेंट को क्यों आती हैं और इनकी क्या वजह है और इससे पेशेंट के बिहेवियर में क्या बदलाव आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि सिज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही कॉमन मानसिक बीमारी है। करीब 1% पॉपुलेशन को ये बीमारी होती है। अगर उदाहरण के रूप में हम समझें कि दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ लोगों की है, तो 1% लोग मतलब 2 लाख लोगों को ये बीमारी है। और कोई भी जियोग्राफिकल एरिया हो, कोई भी प्रोफेशन हो, यूजुअली 1% लोगों को सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है। अब हम जानेंगे कि सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी में कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इस बीमारी में लोगों को डर लगता है, शक लगता है, वहम होता है, लोगों को दूसरों पे डाउट होता है, वो फियरफुल होते हैं, वो काफ़ी लोग वायलेंट हो जाते हैं और काफ़ी लोगों को हेलुसिनेशन होती हैं। हेलुसिनेशन मतलब आवाज़ें आना, कोई चीज़ दिखाई देना, कोई चीज़ जो हमें टच नहीं कर रही, ऐसा लगना कि वो हमें टच कर रही है, बिना किसी वजह के स्मेल आना या बिना किसी चीज़ को खाए बिना मुँह में कोई टेस्ट आना। तो ये डिफरेंट टाइप की हेलुसिनेशंस होती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब है कानों में आवाज़ें आना। अब सिज़ोफ्रेनिया में जो लोगों को कानों में आवाज़ें आती हैं वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। पहली तरह की आवाज़ें जो पेशेंट को आवाज़ें डायरेक्ट बोल रही हैं, जैसे कि वो बोल रही हैं कि तुम यह काम कर लो, या वो पेशेंट के किसी एक्शन पे कमेंट कर रही होती हैं, जैसे कि देखो ये बैठा हुआ है या ये खाना खा रहा है। कुछ आवाज़ों में पेशेंट को वो आवाज़ें बड़ा बुरा बोलती हैं, जिससे कि पेशेंट गुस्सा हो जाता है। सेकंड टाइप की जो आवाज़ें आती हैं पेशेंट को, वो आती हैं कि काफ़ी सारे लोग या कुछ लोग बैठ के पेशेंट के बारे में या किसी दूसरी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तीसरी तरह की आवाज़ें जो होती हैं वो होती हैं कमांडिंग हेलुसिनेशन, जिसमें कि आवाज़ें पेशेंट को कोई कमांड देती हैं कुछ काम करने के लिए, कि जाओ जाके खाना खा लो, जाओ जाके नहा लो, जाओ छत पे चले जाओ। तो इस तरह की कमांडिंग हेलुसिनेशंस आती हैं जिनको सुनने के बाद पेशेंट काफ़ी बेबस हो जाता है वो एक्शन करने के लिए, और वो अपने एक्शंस को रोक ही नहीं पाता। अब जब ऐसी आवाज़ें आती हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को काफ़ी डाउट होता है, वो सोचता है कि भाई ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। तो ऐसे में पेशेंट को लगने लग जाता है कि यहाँ पे किसी भूत पिशाच आत्मा का निवास है जिसकी आवाज़ें मेरे को आ रही हैं, या पेशेंट कुछ सोचने लग जाता है कि कुछ जादू टोना है, कोई टोटका चल रहा है जिससे कि मुझे आवाज़ें आ रही हैं, या उसको लगता है कि पड़ोसी मुझे परेशान करने के लिए मुझे कुछ कुछ बोल रहे हैं और जब भी मैं ढूंढने जाता हूँ वो लोग भाग जाते हैं, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी गुस्सा भी आने लग जाता है। और जब रात में पेशेंट को आवाज़ें आती हैं तो उसकी नींद भी अफेक्टेड हो जाती है। तो पेशेंट सोचता तो ऐसा है कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है या कोई बाहरी शोर से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन अब हम समझेंगे कि असली वजह क्या होती है जो पेशेंट को आवाज़ें आ रही होती हैं। तो सिज़ोफ्रेनिया में आवाज़ें आने की असली वजह होती है केमिकल इम्बेलेंस ब्रेन में। ये केमिकल इम्बेलेंस काफ़ी सारे केमिकल्स की वजह से होता है, लेकिन इसमें 2 न्यूरोट्रांसमीटर सबसे ज़्यादा कॉमन है, एक तो डोपामिन, दूसरा सेरोटोनिन। अब हम समझेंगे कि कैसे केमिकल इम्बेलेंस से पेशेंट को आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो जो नॉर्मल पर्सन है, जब उसको कोई आवाज़ सुनाई देती है तो उसका पहले प्रोसेस समझेंगे। जैसे कि कोई आवाज़ हुई तो वो पेशेंट के पहले कान में जाती है, और जो कान में जो हमारा पर्दा है, कान का पर्दा, उसमें आवाज़ से वाइब्रेशन होते हैं। तो उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो हमारा इंटरनल ईयर, अंदर का कान डिटेक्ट करता है और एक करंट पैदा करता है जो कि नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन में जाता है। और जब हमारे ब्रेन में ये नर्व इम्पल्स पहुँचती है, ये जो करंट है वहाँ हमारे ब्रेन में, जो हमारा सुनने का एरिया है ब्रेन में, वहाँ पे जब ये पहुँचता है करंट, तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। तो इन केमिकल्स के रिलीज़ होने से ब्रेन में हमें पता चलता है कि बाहर कोई आवाज़ है और वो हमें सुनाई दे जाती है। और जो मरीज़ होते हैं सिज़ोफ्रेनिया के केस में, उसमें क्या होता है कि
कि ये जो ब्रेन में केमिकल्स हैं जिनसे पता लगता है कि आवाजें आ रही हैं, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिलीज होते रहते हैं, जिससे कि पेशेंट को आवाजें आती रहती हैं कि बाहर तो कोई आवाज नहीं है, ना ही कान के पर्दे में कोई वाइब्रेशन हो रहे, डायरेक्ट केमिकल रिलीज हो गया। क्योंकि ये फाइनल पथवे में ये केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कि रियल आवाजों की तरह, तो पेशेंट को पता ही नहीं लगता कि ये बीमारी की आवाजें हैं या फिर ये रियल आवाजें हैं। तो आपको ये समझना है, सिज़ोफ्रेनिया के मरीज डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि ये आवाजें रियल हैं या अनरियल हैं, क्योंकि पेशेंट को सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी में कानों में आवाजें आती हैं तो उसका बिहेवियर भी चेंज होने लग जाता है। जैसे कि पेशेंट को कानों में आवाजें आ रही हैं तो वो उनसे कम्युनिकेट करने लग जाता है, उनसे बातें करता है, उनको रिप्लाई करता है आवाजों में, तो दूसरे पर्सन को लगता है कि पेशेंट अपने से बातें कर रहा है, क्योंकि वो हेलुसिनेशन से जो आप उसकी वहम की बीमारी की वजह से जो आवाज़ें आ रही हैं उनसे वो रिप्लाई कर रहा है, तो सामने वाले आदमी को लगने लग जाता है कि अपने से बातें कर रहा है। जब किसी पेशेंट को आवाज़ें कोई हंसी वाली बात बोलती हैं तो पेशेंट हंसने लग जाता है या स्माइल करने लग जाता है अपने से, तो सामने वाले आदमी को लगता है कि ये पर्सन बिना किसी वजह के हंस रहा है। काफ़ी बार लोग गुस्सा हो जाते हैं आवाज़ें सुनने के बाद, जैसे कि अगर जो हेलुसिनेशन से आवाज़ें जो पेशेंट को आ रही हैं वो पेशेंट को कोई भरा भुला बोल दें या उसको गाली दे दें तो पेशेंट को गुस्सा आ जाता है। काफ़ी बार पेशेंट डर जाता है आवाज़ों की वजह से, जैसे कि कोई आवाज़ आ गई कि वो बोलती है कि हम तुम्हें नुकसान कर देंगे या तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को नुकसान कर देंगे, तो पेशेंट डर जाता है, पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे किसी आवाज़ ने पेशेंट को बोला कि अगर तुम बाहर जाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें नुकसान करेंगे, तो पेशेंट इतना डर जाता है कि वो घर से बाहर जाना ही बंद कर देता है। आवाज़ों की वजह से काफ़ी बार हमने ऐसा देखा है कि पेशेंट कुछ अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर भी करने लग जाते हैं, जैसे कि उनको कमांडिंग आवाज़ें आ गई कि जाओ जाके नहा लो, तो पेशेंट देखा जाता है कि शाम को या रात में भरी सर्दियों में वो नहाने चले जाते हैं, या बिना किसी वजह के छत पे दौड़ के चले जाते हैं कि अगर आवाज़ों ने बोल दिया कि छत पे जाओ तो पेशेंट घबरा के छत पे दौड़ के चले जाते हैं बिना टाइम के, बिना किसी काम के। तो दोस्तों, आज जो मैंने वीडियो बनाया वो काफ़ी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पेशेंट हो या पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हो। अगर पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि उनके पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, उनको हेलुसिनेशंस हो रही हैं, वो पेशेंट ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। उनको यह भी समझने की ज़रूरत है कि केवल पेशेंट को समझा के आप ये आवाज़ें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये केमिकल फिनोमिना है और जो ब्रेन में हो रहा है, तो ऐसे पेशेंटों के लिए ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप पेशेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप कोई अपना ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो ये वीडियो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं उनको रियल और अनरियल वॉइसेस के बारे में कुछ नहीं पता होता और वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते इस बीमारी में। लेकिन जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि अब वो रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि कैसे पहले उन्हें आवाज़ें आती थी जो आजकल बंद हो गई हैं और वो बीमारी की आवाज़ें थी, और जो ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जो पेशेंट पार्शली ठीक हैं उनको काफ़ी सारी आवाज़ें बंद हो गई हैं और कुछ धीमी मात्रा में, धीमी वॉइस में उनको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, तो ऐसे पेशेंटों को ये वीडियो देखने के बाद उनको रियलाइज़ करना है कि जो दूसरी तरह की आवाज़ें उनको सुनाई दे रही हैं जिनका कोई सोर्स उनको नहीं मिलता है, वो बीमारी की वजह से होने वाली हेलुसिनेशंस हैं, और उनको उन्हें नॉर्मल आवाज़ों से डिफरेंशिएट करना सीखना है और उनको अवॉइड करना सीखना है, जिससे कि उनकी बीमारी में उनको फ़ायदा लगेगा। सेम टाइम अगर मरीज ये वीडियो देख रहा है, उनको ट्रीटमेंट से फ़ायदा हो रहा है, तो उन्हें ध्यान रखना है कि अपनी दवाई बंद नहीं करनी है जब तक डॉक्टर एडवाइस ना करे। हालांकि सिज़ोफ्रेनिया में इलाज लंबा चलता है, काफ़ी सालों तक चलता है, कुछ केसेस में लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है, तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है, ट्रीटमेंट से नहीं भागना है, क्योंकि अगर आप अपना ट्रीटमेंट बंद कर देंगे तो ये हेलुसिनेशंस दोबारा होने लगेंगी, ये आवाज़ें दोबारा आने लगेंगी और आप रियल अनरियल में डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाओगे। और यूजुअली ये भी देखा गया है कि जब पेशेंट बीमार हो जाता है, अपनी दवाई बंद कर देता है और उसकी बीमारी दोबारा चालू हो जाती है, या ट्रीटमेंट चालू करने से भी पहले जब पेशेंट बीमार होता है तो इलाज करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और जब पेशेंट ठीक चल रहा होता है या पार्शली ठीक चल रहा होता है
तो पेशेंट अपनी बीमारी समझ पाता है और वो इलाज भी रेगुलर ले लेता है। तो इसमें घर वालों को पेशेंट को यह समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर पेशेंट की बीमारी वापस आती है तो उसको दोबारा ठीक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पेशेंट इलाज लेने से ही मना कर देता है, क्योंकि वो अपने आप को मानता ही नहीं कि वो बीमार है और उसको लगता है ये जो आवाज़ें उसको आ रही हैं रियल आवाज़ें हैं, इसमें बीमारी की कोई समस्या नहीं है, इसमें जो दूसरे लोग इसको तंग कर रहे हैं, चाहे वो पड़ोसी हो सकते हैं या ऊपरी कोई ताकतें हो सकती हैं, वो उसको परेशान कर रही है, उनको ठीक करना ज़रूरी है। तो इसलिए पेशेंट का इलाज बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया कि सिज़ोफ्रेनिया में पेशेंट को आवाज़ें क्यों आती हैं और ट्रीटमेंट से उनको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और कमेंट में लिखिए अगर आपने कोई सिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ देखा है, आवाज़ों की वजह से उनका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आप कोई पेशेंट हैं और जो ट्रीटमेंट से इम्प्रूव हो चुके हैं, तो आवाज़ों के एक्सपीरियंस के बारे में आप अपनी जर्नी को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्यूचर में ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो हिंदी में कॉमन लोगों के लिए डालता रहता हूँ, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और ट्रीटमेंट को और बीमारी को आप भली भांति समझ पाएं। धन्यवाद। नमस्कार।